Hey guys, do not forget to subscribe and hit the bell icon for ongoing updates on this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे न्यू और आपका स्वागत है FL Studio Tutorials में. आज हम एक्चुअली सीखने वाले हैं जो है साइड चेनिंग इफेक्ट. साइड चेनिंग इफेक्ट आजकल बहुत ज़्यादा ही इस्तेमाल होता है. ये एक्चुअली 80s और 90s से शुरू हुआ था, जब हाउस म्यूज़िक, EDM म्यूज़िक सब हमारे सॉफ्टवेयर बेस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन आने लग गए. तो बहुत सारे हाउस म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स ने ये इफेक्ट जो है यूज़ करना शुरू किया. मैं आपको बता देता हूँ साइड चेनिंग का मतलब क्या होता है. अभी ऑलरेडी मैंने इधर प्रोजेक्ट बना कर रखा है FL Studio का, जो नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक किक पैटर्न है, मतलब एक बीट पैटर्न जिसमें मैंने किक, स्नेयर, क्लैप और हैट्स ये सब लिया हुआ है. और उसके बाद मैंने एक नॉर्मल एक स्ट्रिंग्स लिया है. तो स्ट्रिंग्स में क्या होता है कि वो बहुत ही लंबा सस्टेन वाला इंस्ट्रूमेंट्स रहता है. तो उसके लिए हम लोग जब साइड चेन करते हैं, बहुत ही उसका मज़ा जो होता है अलग ही होता है सुनने का मज़ा. तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ मैं क्या मीन कर रहा हूँ, क्या होने वाला है साइड चेनिंग पे. देखिए, अभी अगर मैं ये खेलूँगा ये बीट, तो ये जो स्ट्रिंग्स जो है इसका जो क्या बोलते हैं आवाज़ जो है, जब भी किक आएगा तो उसको ऊपर नीचे होना चाहिए, तो दब जाना चाहिए. तो इफेक्ट मैं आपको सुना देता हूँ. पहले इसे मैं मैनुअली करता हूँ, बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम लोग इसको साइड चेनिंग करेंगे, ठीक है. तो ये हम लोग वी आर ट्राइंग टू अचीव दिस. देख लिए थे अभी. तो हम चाहते हैं कि ऐसे एक इफेक्ट आ जाए. अभी इधर तो बेसिकली हम लोग ये इफेक्ट अभी कर नहीं सकते, बिकॉज ये मैनुअली कर रहा था मैं, लेकिन इसको ऑटोमेटिकली कैसे करें. तो पहले हम लोग एक इसको सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको जो है लेवल्स एडजस्ट कर ले, ठीक है. अभी वो इफेक्ट मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हम लोग किक पे जो है, क्योंकि किक का इफेक्ट हम लोग कोशिश करें किक का इफेक्ट पे आ जाए. तो हम लोग किक को जो है उसका जो सेलेक्ट करने के बाद मिक्सर में उसका जो इफेक्ट जो स्लॉट है राइट साइड में, देख लिया आप, इधर जाके हम लोग इसमें फ्रूटी पीक कंट्रोलर जो है, ये एक VST जो है इनका, जो फ्री में आता है FL Studio में, इसको लोड कर ले. बंद कर दीजिए उसको. उसको बंद करने के बाद हम लोग अभी हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग्स में बेसिकली वो इफेक्ट आए. तो अभी स्ट्रिंग्स को सेलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद हम लोग इसको जो फेडर है स्ट्रिंग्स का राइट क्लिक कर ले, फिर उसके बाद हम लोग इसको लिंक टू कंट्रोलर डाल देंगे. तो ये जो हमारा जो इंटरनल कंट्रोलर है लिंक टू कंट्रोलर में, इसमें आपको मिलेगा देखिए फ्रूटी पीक कंट्रोलर नियो किक, क्योंकि मैंने इधर ये किक का नाम नियो किक इसलिए दिया है ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये मैंने जो किक में डाला है उसमें से मिल जाए. तो इसमें से अभी है ये जो ऑप्शन है हमारे पास. तो LFO जो है लो फ्रीक्वेंसी, हम लोग को पीक चाहिए, तो हम लोग पीक ले लेंगे. फिर ये जो इनपुट जो मैपिंग फार्मूला है इसको हम लोग करेंगे इन्वर्टेड, ठीक है जी. इन्वर्टेड करने के बाद इधर जो है 1 की जगह हम लोग 0.5 कर देंगे. वो आपके हिसाब से, आपको जो लेवल चाहिए उसके हिसाब से आप कर सकते हो. तो उसको एंटर मार दे. तो देखिए ये हो गया अभी उसका जो इनपुट इन्वर्टेड लेवल, उसको एक्सेप्ट कर ले. और उसके बाद हम जब खेल के देखेंगे, आप ज़रा सुनिएगा. ठीक है दोस्तों, ये अचीव कर लिया हमने, लेकिन एक प्रॉब्लम है. बेसिकली बहुत लोगों ने ये साइड चेनिंग ट्यूटोरियल पे बताया नहीं है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. क्योंकि हम लोग जब ये 8वां बार या 9वां बार पे जाके हम लोग प्रोग्रेशन देते हैं, देखिए अभी इधर हम लोग कुछ प्रोग्रेशन देते हैं, इमेजिन कर लीजिए हमें इधर किक नहीं चाहिए हर 8 बार पे, तो उधर जाके ये साइड चेनिंग, क्योंकि वो किक का सिग्नल से, एक्चुअली ये जो किक का सिग्नल है इधर से, इसके कारण साइड चेनिंग हो रहा है. अगर वो सिग्नल नहीं मिलेगा तो वो साइड चेनिंग उधर होगा नहीं. ज़रा सुन लेते हैं हम लोग, उसके बाद मैं बताता हूँ उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है. अभी देखना आप लोग, देखा. तो मैं चाहता हूँ कि इधर जब सिग्नल नहीं आ रहा तब भी इधर साइड चेनिंग होना चाहिए, यूजुअली ऐसा होना चाहिए, नहीं तो फिर वो सुनने में मज़ा नहीं आता. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी वापस हम लोग जाएंगे चैनल रैक में, हम लोग एक ये जो नियो का जो किक है बेसिकली इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं,
इसको क्लोन कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो है इसको हम लोग रीनेम कर देंगे, बोल देंगे कि हम लोग साइड चेन, साइड चेन, ठीक है। उसको आप कलर चेंज करना तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा रहेगा, फिर देखने में अलग सा दिखेगा। उसको हम लोग थोड़ा इसको साइड चेन कर दिया। अभी हमको सेम यही सेम ये चीज़ दूसरा पैटर्न में बना लेते हैं हम लोग, इसको भी पैटर्न 3 जो है रीनेम कर दें, इसको बोल देंगे हम लोग साइड चेन किक, ठीक है, और वही कलर डाल दिया। उसके बाद इसको हम हाँ फिल कर देंगे ईच 4 स्टेप्स, क्योंकि यही हमें चाहिए, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव, ठीक है। ईच 4 स्टेप हमने फिल कर दिया। मैं ज़्यादातर 8 बीट का बनाता हूँ, आप चाहे तो 4 बीट का भी बना सकते हो, उसको बस कॉपी पेस्ट करना ही है। अब ये साइड चेन किक हमारा हो गया, इधर भी हम लोग एक ट्रैक में जो है इसको हम लोग रीनेम कर देंगे और देख देंगे साइड चेन किक, क्योंकि पता चले कि हमें ये हमारा साइड चेन किक है। साइड चेन किक हम सेम वही पैटर्न ले लेंगे, चाहे तो आप कुछ भी डाल सकते हो उधर जो आइकॉन्स है। अब इधर जो है हम लोग इसको पूरा ये कर देंगे, ठीक है। अभी इसका जो है बेसिकली हम लोग दूसरा एक देखिए 1 में जा रहा है, इसको 1 में नहीं, हम लोग इसको देखना, आप मिक्सर पे देखना, हम लोग इसको 6 पे या 7 पे कहीं पे भी आपका फ्री हो आप उसमें डाल सकते हो। और इसको मैं रीनेम कर दूंगा, रीनेम साइड चेन किक, ठीक है जी, और वही सेम कलर ले लूँगा मैं। और अभी क्या करना है हमको, ये जो न्यू किक के जगह पे इसको निकाल देंगे हम, रिप्लेस नहीं, इसको डिलीट कर देते हैं, ओके। उसके जगह पे हम लोग इधर डालेंगे वो, और इसको हम लोग म्यूट कर देंगे ये इधर से, ठीक है। वो मैं बात करता हूँ, पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसको। इस पर हम लोग डालेंगे फ्रूटी पीक कंट्रोलर, ठीक है, तो हमने इधर डाल दिया। अब इधर से हमको ये स्ट्रिंग्स पे लेने का सिग्नल, तो हम लोग पहले देख लेते हैं सिग्नल आ रहा है कि नहीं, सिग्नल आ रहा है, इसको हम लोग म्यूट कर दें। तो अभी ये वाला आवाज़ आ रहा है हमको, देखिए आप इधर, हम इधर से हम लोग सिग्नल ले रहे हैं सिर्फ, तो ये तो ऑन रखिए आप ये, क्योंकि हमें ये चाहिए, और ये जो है इधर से सिग्नल ले रहा है। अब ये क्यों कर रहा है, क्योंकि जब हमारे ये जो 8वां और 16वां बार में पहुंचेगा जहां पे हमारा किक नहीं है, देखो ये किक है, इसका सिग्नल हम लेके इस पे जो है हम लोग साइड चेन करेंगे। तो अभी स्ट्रिंग्स ले लेंगे, और स्ट्रिंग्स का जो हमने राइट क्लिक कर लेंगे इसको जो फेडर है, फिर उसके बाद लिंक टू कंट्रोलर, तो हमने जो लिया था इंटरनल कंट्रोलर। अभी देखिए इधर एक ही इंटरनल साइड चेन किक, इसको पीक ले लीजिए, ठीक है। मैपिंग फार्मूला जो है आप लोगों को मैंने बताया था, इन्वर्टेड, फिर उसके बाद इसको कर देंगे हम 0.5, एंटर और एक्सेप्ट बता दिए। और अब हम खेल के देखते हैं इसको, इधर से देखते हैं कि इधर जाके अभी साइड चेनिंग हो रहा है कि नहीं। देखा आपने, तो हाँ दोस्तों ये था आज का स्मॉल एक छोटा सा टिप आप लोगों के लिए। ये इफेक्ट आप बहुत कुछ चीज़ों के लिए यूज़ करते हो, स्पेशली हम लोग ये यूज़ करते हैं सस्टेन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे स्ट्रिंग्स हो गया, पैड हो गया, और राइजर्स हो गया, उसके लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये। और राइजर्स यूज़ करने के लिए भी इफेक्ट्स बहुत अच्छा लगता है ये सुनने के लिए। और होपफुली ये टिप आप लोग को हेल्प किया रहेगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और शेयर ज़रूर कीजिए, जो सीखना चाहते हैं उनको भी सीखने के लिए मौका दीजिए। थैंक यू दोस्तों फॉर बीइंग हियर एंड वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, सी यू लेटर सून, थैंक यू।